आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे न और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। इसलिए तुम हे भाइयों, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं परन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो।